अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वाहिमद है और आप आज डेफिनेशंस करेंगे। डेफिनेशन जो है पहली वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप देखें तो पेज नंबर 2 पे लिखी हुई है, पेज नंबर 2 पे आप देखें तो लिखी हुई है यहाँ पर, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्केयर ऑफ द अननोन क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ अ सेकेंड डिग्री। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं आप इसे और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। ये लिखी हुई है यहाँ पर पेज नंबर 2 पे ये। उसके बाद अगली डेफिनेशन है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी है, वो आप इस तरह लिख सकते हैं, इफ बी इज इक्वल टू, इफ बी इज इक्वल टू जीरो इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ए एक्स हो और प्लस सी हो, बस बी ना हो। जैसे कि मैं लिखता हूं 5x प्लस 9, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो बी जीरो हो तभी वो कहलाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पेपर में आ गई तो आप लिख लेना ये। अच्छा जी, अगली डेफिनेशन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये मैंने आपको बताई थी एमसीक्यूज में कि ये पेज नंबर 9 पे है, फिर बता देता हूँ कि ये लिखी हुई है पेज नंबर 9 पे ये। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, ठीक है। ये डेफिनेशन पेज नंबर 9 पे लिखी हुई है। चौथी है एक्सपोनेंटल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन लिखी है पेज नंबर 10 पे, छोटी सी डेफिनेशन है। ये लिखी हुई है इन एक्सपोनेंटल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, बस। और ये एक एग्जांपल दे देना नीचे से, ये वाली एग्जांपल नंबर 4 कि 5 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये छोटी सी डेफिनेशन थी। नंबर 5 पे है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेडिकल। ये अक्सर पेपर में आती है और बोर्ड में भी आ सकती है रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस एन इक्वेशन वॉल्यूम एक्सटेंशन अंडर रेडिकल साइन। रेडिकल साइन मीन ये इसकी बात कर रहे हैं कि ऐसी इक्वेशन जो कि रेडिकल साइन के अंदर आ जाए उसे रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। मतलब ऐसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। ये पेज नंबर 10 पे है एक्सपोनेंटल। रेडिकल है पेज नंबर 12 पे, ठीक है। ये एग्जांपल दे दिए मैंने आपको और ये पेज नंबर 10 पे 12 पे लिखी होगी ये इधर। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी कोई डेफिनेशन नहीं बनती, बस यही वो डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर 1 के लिहाज से। तो हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है और अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।